हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। तो देखिए, शाम का रूटीन यहाँ पर शुरू हो गया है और सब लोग बिजी हैं। माँ की ड्यूटी लग चुकी है नंदनी पर, माँ नंदनी को लेकर बैठी है। और ये देखिए सफाई करता सब सफाई अभियान झाड़ू लगा रही है। हेलो तो बोल दे करो। हेलो फ्रेंड्स। और प्रीति जो है वो बर्तन साफ कर रही है, ये चाय के बर्तन है। और देखिए मेरी ड्यूटी लगी है यहाँ पर। मैंने मलका मसूर यानी कि काली दाल और राजमा जो है उबलने के लिए रख दिए हैं, दाल बनने के लिए रख दी है। राजमा मैंने दोपहर में ही भिगो दिया था तो चूल्हा जला दिया था। मैंने सोचा जल्दी खाना बना लेते हैं, नहीं तो फिर लेट हो जाता है। और बच्चे भी थोड़ा सा अभी मौसम बदली की वजह से इनकी तबीयत खराब है तो परेशान कर रहे हैं। और देखिए आज आरुषि भी मुझे बोल रही थी, मम्मी मुझे दवाई दे दो, मुझे बुखार है। आरुषि क्या हो रहा था आपके? और जैसे ही मैं आरुष को दवाई देती हूँ तो आरुषि बोलती है मम्मी मुझे बुखार हो रहा है। और देखिए यहाँ पर कितने सारे कपड़े पड़े हुए हैं फोल्ड करने के लिए, अब इनकी तय भी बनाएंगे जब तक हमारा चूल्हे पर जो है खाना भी बनता रहेगा। और देखिए ये दोनों खिलाड़ी बैडमिंटन खेलेंगे, अभी तैयार है। और ये अभी थोड़ा सा नाराज भी है, ये बोल रहा है मेरे साथ कौन खेलेगा, गुड्डू को ये खिला नहीं रहा। और ये बोल रहा है मैं खेलूंगा। ये देखो किसे दे दिया आपने बल्ला? सार्थक को दे दिया। हेलो तो बोल दो, हेलो बोलो। और आज इसकी तबीयत जो है थोड़ी ठीक है, एक दिन की दवाई से ही काफी आराम है इसे, रात मिल गई है। बेटा पत्ते नहीं तोड़ते, ये खेल लेगी। और माँ बोल रही है कोई बात नहीं सार्थक, नंदनी खेल लेगी तेरी साथ, खेल लेगी आज जब कोई नहीं खेल रहा है। और नंदनी भी रोने लगी, रोने लगी, अभी नहीं खेलती, अभी नहीं खेलती। ये देखिए नंदनी भी नहीं खेलती, नंदनी करेगी हेलो हेलो। ये अपने कामों में और अभी ये कपड़ों की तय बनाने में लग गए हैं। और मैं प्याज व्याज काट लेती हूँ, टमाटर, जब तक हमारी दाल भी बनकर तैयार हो जाएगी। और चांदने चांदने में ही खाना बनाने का रहता है क्योंकि ये बच्चे भी खा पी कर सवेरे ही सो जाते हैं। अभी जब से दिन छोटा होने लगा है तो लोगों का क्या रूटीन हो रहा है, ये दिन में इन्होंने सोना बंद कर दिया है जब से सार्थक आया है। चारों पांचों बच्चे जो हैं मन मर्जी से सो जाते हैं, नहीं तो फिर खेलते रहते हैं पूरा दिन। और यहाँ पर देखिए पिताजी ने देसी जुगाड़, देसी तरीके से एकदम जो है धुआं कर दिया है। छोटू कैसा पड़ा देख लो, नाड़ कहाँ पूछा किन्ने आल का जारा, इसे खाना खा के पूरा घास ज्यादा खा लिया इन्हें, धुआं कर दिया है। अब ये सारे के सारे आराम से लेटेंगे बैठेंगे क्योंकि मक्खी मच्छर तो धुआं होने के बाद में लगता नहीं है एक भी। और आरुषि पता नहीं क्या कर रही है, ये देखिए ये घूम रही है। क्या कर रहे हैं आप? कैसे खेलोगे आरुष आप? आरुष कैसे खेलोगे आप, ऐसे खेलोगे? क्यों नहीं खेलते आप? खेल लो भाई आप भी, देखो वो खेल ले, गुड्डू और सार्थक खेल रहे, आप भी खेल लो। कौन नहीं खेल, कौन आप क्यों नहीं खेलते हैं? खिलाते नहीं मैं आपको? है? कौन नहीं खेलने दे रहा? गुड्डू नहीं खेलने दे रही? अच्छा चलो खेल लो आप। तो देखिए फिर मैंने कढ़ाई रख दी थी गर्म होने के लिए, कढ़ाई गर्म हो चुकी है। इसमें मैंने डाला है घी, घी का ही दाल में तड़का लगा रही हूँ। जीरा डालने के बाद में अब डालूंगी ये प्याज, अदरक और लहसुन जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर रख लिया था छोंक के लिए। आज मैंने जो है कटर में नहीं निकाले थे, हाथ से ही चाकू से काट लिए थे। उधर दीदी जो है आटा गूंथ रही है, उन्होंने आटा छान लिया है। वे कह रही थी जब तक आप जो है दाल को फ्राई करोगे जब तक मैं जो है आटा बना दूंगी। आटा पहले बन जाता है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, रोटियां भी नरम रहती है। उधर आरुष जो है अपनी गाड़ी से खेल रहा है, बाकी के बच्चे जो हैं पिताजी के पास खेल रहे हैं। और प्रीति जो है कपड़ों की अभी तय बना रही है, थोड़े से कपड़ों की तय जो है दीदी ने बनाई है और बाकी की अभी जो बचे हुए थे तो प्रीति बना रही है उनकी तय। तो देखिए टमाटर डालने के बाद में अभी मैंने यहाँ पर मसाले भी डाल दिए हैं, हींग डाला है, धनिया पाउडर डाला है, कसूरी मेथी डाली है और नमक भी डाल दिया है, ये डाल दिया है हल्दी
और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें डालने के बाद में अब मैं टमाटर को फ्राई कर रही हूँ, जिससे कि हमारे मसाले भी फ्राई हो जाएं और कच्चे ना रहे। तो देखिए टमाटर हमारा जो है फ्राई हो चुका है। अभी मैंने उबली हुई काली दाल यानी कि मलका मसूर और राजमा भी इसमें डाल दिया है। तो अब मैं इसे थोड़ा सा पकाऊंगी और पकाने के बाद में फिर जब तक आटा बन जाएगा दूध छान कर रख लूँगी पतीली में, क्योंकि बीच बीच में अपने और भी काम देखने होते हैं। और दाल देखिए मैंने इस तरीके से बनाई है, ज़्यादा टाइट नहीं बनाई है, शाम का टाइम है और दीदी बोल रही थी कि चावल ना बनाओ, बस रोटी रोटी सेक लेना। तो यहाँ पर दूध भी मैंने छान लिया है और आज आपको मैं छोटी छोटी सी अपनी पुरानी यादें दिखाना चाहती हूँ आरुष के साथ में, जब आरुष पहली बार सीढ़ियाँ चढ़ा था। ये देखिए कैसा लगता था मेरा बेटा, और बोलता रहता था मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैं समझती थी इसके सारे। ये छोटी छोटी सी यादें होती हैं जिन्हें हम कभी भी ताज़ा कर लेते हैं ऐसे देखकर। तो ये वीडियो मेरे फ़ोन में थी, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी आप सबके साथ में भी शेयर करूँ, तो सोचा चलिए आज कर लेते हैं इसे शेयर। तो जिस दिन ये पहली बार सीढ़ियों पर चढ़ा था मैंने इसको चढ़ते हुए देख लिया था, क्योंकि बच्चों का होता ही है वो चकमा दे देते हैं। और देखिए बुला रहा है मुझे पीछे से बार बार आवाज़ लगाकर, और मैं इसके पीछे पीछे हूँ, तो मैं और मेरी माँ भी देख रहे हैं, मतलब कि मेरी सासू माँ भी यहीं पर खड़े हुए हैं। और ये देखिए चला गया ये छत पर, पहली बार चढ़ा था इस दिन जब ये 11 महीने का था, जब ये सीढ़ियाँ चढ़नी सीख गया था। ये देखिए और कैसा दिखता था ये भी देख लीजिए, अब अभी कैसा दिखने लगा है। हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो देखिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि हम लोग पालक घर पर कैसे बोते हैं। जो हमारी एक साइड में आंगन में छोटी सी क्यारी हमने बनाई थी उसे थोड़ा सा बढ़ा दिया है, और मैं यहाँ पर छत पर आई थी बीज लेने के लिए। माँ ने बोला है कि मॉर्निंग में ही बो देते हैं, क्योंकि शाम के टाइम जो है माँ ने वो क्यारी जो है थोड़ी सी बढ़ा दी थी और तैयार करके छोड़ दी थी, और उसमें थोड़ा सा पानी का छिड़काव भी कर दिया था उन्होंने। तो बोली है चलिए पालक बो लेते हैं मॉर्निंग में ही। और आरुष की तबीयत अभी काफ़ी हद तक ठीक है, आराम लग जाएगा, दवाइयाँ उसकी चल रही हैं, तीनों टाइम दवाई देनी पड़ती है, उसका काफ़ी ध्यान रख रही हूँ मैं। तो चलिए दिखाते हैं आपको हमारे यहाँ पर पालक कैसे बोया जाता है, और वो भी घर पर देसी स्टाइल में, और एकदम देसी खाद डालकर ही हम लोग बो रहे हैं, ऑर्गेनिक है ये। तो चलिए पालक बो लेते हैं, अभी समय हो चुका है पालक बोने का, क्योंकि सर्दियों में फिर खाएंगे कई बार पालक की सब्जी। और देखिए यहाँ पर इस क्यारी को जो है इस बार बड़ा कर दिया है माँ ने, पालक बोने की तैयारी है। और इसमें कल इसे थोड़ा सा जैसे बड़ी की थी, बढ़ाई है, पहले आपने देखा होगा नेड़ी सी थी लेकिन थोड़ी सी बढ़ा दी, और बच्चे भी देख रहे हैं सारे के सारे बैठकर। और ये मिट्टी जो है कल खोद कर माँ ने इसमें पानी डाल दिया था, अभी इसे मिट्टी को बारीक बारीक करके, और बीज उधर जो है देखिए यहाँ पर भी एक टहनी हमने गिलोय की दवाई थी धरती में, तो ये भी अच्छी खासी हो चुकी है, बहुत बढ़िया ग्रो कर रही है। ये देखिए और यहाँ पर माँ ने जो है एक बार और इसमें खुरपा निकाल दिया है, और मिट्टी को जो है रात को तो इसमें थोड़ा सा बारीक बारीक करके ये इन्होंने छोड़ दिया था। और यहाँ पर ये बच्चे देखिए कितना परेशान कर रहे हैं माँ को, और सार्थक सोच रहा है कि खुरपे को बस मैं ही हाथ में ले लूँ, मैं ही सारा काम करूँ। उधर चिंकी भी आ गई थी, पता नहीं माँ क्या कर रही है, आरुषि भी आ गई है, और मयंक खड़ा हुआ है, देख रहे हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, और बच्चों को भी पसंद होता है पेड़ पौधे लगाना, तो इसलिए ही सोच रहे हैं पता नहीं आज माँ इस क्यारी में क्या बो रही है। तो देखिए ये है वो बीज पालक का जो माँ आपको दिखा रही है, और अभी इसे हम इसमें बिखेरेंगे और फिर इसके ऊपर जो है बारीक बारीक सी मिट्टी ढक देंगे। और ये मिट्टी जो है बारीक हो चुकी है, इसमें देसी खाद यानी कि जो हमारे गाय भैंस का गोबर होता है वो भी हमने मिक्स कर दिया है। एक दो बार जो है जो चूल्हे की उपलों की राख होती है वो भी इसके ऊपर डाल देते हैं हम लोग, वो भी काफ़ी लाभदायक होती है। हम लोग तो पालक इस तरीके से ही बोते हैं जो ऑर्गेनिक है, एकदम से देसी है, हमारे यहाँ पर बोया जाता है, और हर साल हम लोग इस छोटी सी क्यारी में ही बो लेते हैं, इसी से काम चल जाता है। कुछ बाहर से ले लेते हैं अगर फैमिली में मेंबर्स जो हैं बाहर से आ जाते हैं, जैसे भाई साहब, दीदी या अरविंद भैया, तो फिर बाज़ार से ख़रीद लेते हैं, नहीं तो इसी में हमारा काम चल जाता है। तो पालक इस पे बो दिया है माने, और थोड़ा सा पानी का छींटा भी देंगी बाद में जिससे कि ये जल्दी से हो जाए। और बच्चे देखिए माँ के चारों तरफ खड़े हुए हैं, और इसे मैं सार्थक को बोल रही हूँ बेटा खुरपा रख दो, डर लगता है कभी लग जाए, लेकिन ये मान नहीं रहा है बिल्कुल भी, माँ ने इसे कई बार बोला। और
देखिए इसके ऊपर जो है हल्की हल्की सी मिट्टी माने ढक दी है और क्यारी पूरी एक सार बनाई है जिससे कि पानी उधर इधर ना निकले क्यारी में से। और बस इसमें दूसरे तीसरे दिन हमें ऐसे ही पानी का छींटा सा देना है। अभी ये देखिए बच्चा पार्टी जो है पानी लेकर आए हैं और माँ के साथ साथ हैं, पता नहीं माँ इसमें क्या क्या करने वाली है ये सब देख रहे हैं, क्योंकि सार्थक के लिए तो ये सारी चीज़ें नई हैं, सार्थक को तो ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिलती है तो उसे अच्छा लगता है। दोस्तों बस यही था आज का छोटा सा वीडियो जो मैंने आप सबके साथ में शेयर कर दिया है और कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा कर ली है साथ ही साथ जब आरुष ने पहली बार चलना सीखा था। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको मेरी राम राम।